वेलकम फ्रेंड्स, आज अपने पास ये महिंद्रा ज़ाइलो, इसमें प्रॉब्लम है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए कार स्टार्ट करते, देखिए कार स्टार्ट हो गया। अभी देखिए जैसे ब्रेक दबाएंगे ना, ये देखिए जैसे ब्रेक दबाएंगे चेक लाइट आ जाएगा, देखिए, और जैसे ब्रेक छोड़ेंगे ना तो चेक लाइट चला जाता है। ये देखिए और क्या, कार रनिंग में ना झटके भी लगता है। तो ये कहीं गैरेज में से आई है अपने पास ये प्रॉब्लम के लिए। अभी स्कैन कर लिया, स्कैन पे फॉल्ट आया, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम इस ब्रेक स्विच का है। ये देखिए ये ब्रेक स्विच है ना, इसमें चार वायर होते। चलिए पहले इसके पावर सप्लाई वगैरह देख लेते। इसमें दो प्लस होता है, एक ब्रेक लाइट का होता है और एक ECM को सिग्नल जाता है, और दो प्लस मेन होता है। लेकिन फंक्शन भी अलग होता है इसका, ब्रेक मारने पे और ब्रेक छोड़ने पे फंक्शन अलग होता है, वो मेन होता है चेक करना। देखिए पहले इसको है ना मेन चेक करना होगा, दोनों में प्लस, ये दोनों ग्रीन दिख रहा है ना, ये दोनों पास ही में है वो दोनों, तो दोनों पॉजिटिव है वो, और एक ECM को जा रहा है ब्रेक मारने पे सिग्नल, और एक टेल लैंप को जा रहा है। तो इसका फंक्शन जो रहता है ना, अप डाउन का रहता है, ब्रेक छोड़ने पे और ब्रेक दबाने पे। अभी देखिए पावर सप्लाई तो आ रही है, ये देखिए अभी लगाते ब्रेक के सिग्नल के वायर में। ये देखिए अभी इसमें लगा दिया टेस्ट लैंप, ठीक से लगाते। देखिए अभी टेस्ट लैंप ऑन है ना, अभी जैसे ब्रेक दबाएंगे ना, देखिए ये बंद हो जाएगा। ये देखिए देखिए इसी का प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले इसको ओपन करते, देखते रिपेयर होता है क्या ये ब्रेक स्विच। तो इसको ओपन किए, ओपन हो गया, तो इसमें भी सेम वही कॉन्टेक्ट होता है जो बैरल में होता है ना, इग्निशन बैरल में, वो काफ़ी वीडियो में बताया आपको, स्कोडा के VW के वैसे ही सेम कॉन्टेक्ट होता है इसमें। तो कॉन्टेक्ट की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें दो छोटे दिख रहे हैं ना, जो दो छोटी लाइन है, ये ECM को जाती है सिग्नल, पतली पतली पिन ये जो, और ये दो ब्रेक स्विच का है, ब्रेक लैंप का है। तो चलिए इसको रिपेयर करते पहले। तो फाइनली फ्रेंड्स ये रिपेयर हो गया, अभी एक बार स्टार्ट करते। और ये सस्ता ही आता है, महंगा नहीं आता, लेकिन बोले अभी ओरिजिनल रिपेयर हो जाएगा तो ठीक है ना। अभी देखिए अभी ब्रेक दबा रहे, अभी कोई लाइट नहीं है, अभी कार स्टार्ट है। ये देखिए देखिए छोड़ने पे दबाने पे कोई माल फंक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी जो सक्सेसफुल रिपेयर हो गया ब्रेक स्विच, अभी ओरिजिनल था तो बोले रिपेयर ही कर देते। देखिए कैसे कैसे फॉल्ट आ जाते, कभी कभी ट्रेस करने में भी टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।